खबर उज्जैन से। जमैतपुर के आमडी कटन गांव के प्राथमिक स्कूल के 24 बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि स्कूल में मिड डे मील में बच्चों ने कड़ी चावल खाया और इसे खाने के बाद बच्चों की हालत बिगड़ गई। इसके बाद इन सभी को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इलाज के बाद कुछ बच्चों को घर भेज दिया गया जबकि कुछ बच्चों का इलाज हो रहा है। डॉक्टर अरुण कुशवाहा का कहना है कि इलाज के बाद सभी बच्चे स्वस्थ हैं। ऐसी स्थिति बनी थी, कुछ बच्चे 1:30 बजे के आसपास खाना खाने के बाद उल्टी और पेट में दर्द की समस्या के साथ आए थे। लगभग 24 बच्चे हैं। पहले शुरुआती स्थिति में बच्चों को उल्टी दस्त हो रहे थे, दस्त किसी को नहीं है, उल्टी और पेट में दर्द हो रहे थे, बट अब सारे बच्चे स्टेबल हैं। अभी कोई भी बच्चे खतरे में नहीं है, सब खतरे से खाली हैं।